दोस्तों यार अभी एक दो दिन पहले क्या हुआ है, इंस्टाग्राम पर भाई सभी अकाउंट पर, या माना जाए भाई कोई कोई अकाउंट ऐसा है जिस पर वो वाला फीचर शो नहीं कर रहा है, एंड मान के चलिए सभी अकाउंट पर वो वाला फीचर ऐड हो चुका है। सो काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक तो नहीं हो गया, क्या किसी ने मेरे इंस्टाग्राम को हैक तो नहीं कर लिया, अगर हैक किया है तो कैसे पता करें किसने हैक किया है, एंड उस हैकिंग को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई वो कौन सा फीचर आपको देखने को मिल रहा है जिससे आप भाई घबरा चुके हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इंस्टाग्राम हैक तो नहीं हो गया, एंड उस फीचर का यूज क्या है, क्या सच में मेरा इंस्टाग्राम हैक है, अगर हैक है तो उसे रिमूव कैसे करना है, किसने हैक किया है, सभी डाउट आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इंस्टाग्राम के अंदर जाकर, देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में मैंने एक प्रोफाइल को यहाँ पर ओपन करके रखा है। देन इस प्रोफाइल में आपको सबसे ऊपर जहां इसका यूजर नेम लिखा है सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, उसी के बगल में आपको एक एट द रेट जैसा आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा जो यहां पर इस टाइप से है, इसमें ए बना है एंड गोल गोल यहां पर एक सर्कल है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने इस टाइप से पेज खुलेगा, लोडिंग होगा, एंड इसका मैं आपको नाम भी बता दूं, इसका नाम है थ्रेड, इंस्टाग्राम थ्रेड, देख सकते हैं ऊपर आपके इंस्टा आईडी के बगल में यहां पर लिखा है ऑन थ्रेड। तो भाई इसी फीचर की वजह से काफी लोग कंफ्यूज हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो आपका डाउट क्लियर कर देता हूं ए वाला, कि इससे भाई आपका इंस्टाग्राम हैक नहीं हुआ है। काफी कमेंट मुझे इसी के ऊपर से आ रहे हैं कि भाई जो ऊपर फीचर आ रहा है इससे क्या मेरा इंस्टाग्राम हैक तो नहीं हो गया। तो भाई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, ना आपको किसी भी हैकिंग को डिलीट करने की जरूरत है, ना आपको ये पता करने की जरूरत है कि किसने हैक किया है, क्योंकि भाई आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ ही नहीं है तो आपको इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। चलिए अब बताते हैं आपको कि ये फीचर क्या है, कैसे आपका इसको यूज करना है, आपको कब मिला है, एंड आपको अगर नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा। इसका नाम है भाई इंस्टाग्राम थ्रेड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद मेरी प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आएगी, देन नीचे आपको अपनी प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है, देन आपको सबसे ऊपर जाना है कोने में जहाँ पर थ्री लाइन का एक ऑप्शन है, जैसे आप इस पर जाएंगे तो देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, जस्ट उसी के नीचे लिखा है थ्रेड। तो जैसे आप इस थ्रेड पर क्लिक करते हो आपके सामने इस टाइप से आपका इंटरफेस शो होता है, देख सकते हैं यही वाला लोगो हमारी प्रोफाइल के ऊपर आता था जिससे भाई आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो भाई इसका नाम है इंस्टाग्राम थ्रेड। अब जैसे भाई पहले आप ट्विटर चलाते थे तो भाई ट्विटर में आपको अलग से ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता था एंड उसके बाद आप ट्विटर को यूज कर पाते थे, बट जो भाई यहाँ पर न्यू फीचर ऐड हुआ है इससे अब क्या होगा, जो भाई हमारा ट्विटर था, ट्विटर का भाई हम सारा काम अब इंस्टाग्राम के अंदर कर सकते हैं। इससे भाई आपको दो प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, पहला भाई अलग से आपको दो ऐपों का यूज नहीं करना पड़ेगा कि भाई आपको यहाँ पर ट्विटर भी डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम भी डाउनलोड करना है, दूसरा इससे भाई आपका सारा काम आपका इंस्टाग्राम के अंदर हो जाएगा। तो भाई आपको मैं जो बताना चाहता था आपको वो समझ में जरूर आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।